तो शोर की दुनिया हिल जुल जाए। हाथ ऊपर करके बोलो ये खेल ही मन को भाए। दिल की पुकार है यही प्यार है, अब झूम के बोलो तुम। कमाते हैं हमारे नहीं है इससे, तो दूसरा सेमीफाइनल कमाते नहीं है इससे। शुरू हो चुका है मेरा शो में जो चाय बोतल मिलना शुरू होता है। नुकसान उठाना पड़ा है बल्लेबाज साइड जो कि सिराज स्टील की टीम है। स्टार्ट जो है हमें साथ ये लग रहा था कि स्टार्ट जो है एटलीस्ट पहले ओवर में कोई विकेट ना जाए ताकि अच्छा स्टार्ट मिल सके। जी हाँ, और वो कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है रिजवान। यहाँ पर भाई की सूरत में ज्यादा रस बटोरना चाहते थे लेकिन एट द एंड नुकसान उठाना पड़ा। पहला नुकसान धन्यवाद साइड को जो कि सिराज टीम वॉइस की टीम है। मजबूत स्कोर एक हो चुका है और जीशान गन बना चुके हैं लेफ्ट हैंड पास में जो कि साथ देंगे हमजा भट्ट का, आई एम सॉरी सलमान का। हमजा भट्ट जो कि रन आउट होकर खेमे वापस पहुंच चुके हैं। बॉलर आए स्किन को बल्लेबाज ने खेल दिया सीधा मिड विकेट की जाने थी ना बॉलर का तैनात से किरण नासर करेंगे। दूसरा सेमीफाइनल है इसके बाद ग्रैंड फिनाले का मेला सजेगा और उसमें से एक चैंपियन बनेगा। एक टीम अभी तक पहुंच चुकी है पाक्स टीम की। शानदार बल्लेबाजी का मुजारा किया। नाउ द नेक्स्ट साइड शुड बी द वाइड डिलीवरी। इट इज कंफर्मेशन मिली है इमाद खान की जानिब से कि एक रन जायद का एड कर दिया जाए। हबीबुल्ला स्कोरर जो कि हमारे साथ मौजूद है, मैंने भरपूर अंदाज में अपने फराइज सर अंजाम दिए हैं। पूरी तरह टाइम ना कर सके बॉल डीप का पॉइंट रिजन की जाने पहुंचा है। एक बड़ा दूसरे के देश करने पड़ेगी और पूरा आसानी के साथ हासिल किए हैं बिटवीन द विकेट इम्तियाज जुगे। यहां पर नाखुश दिखाई दे रहे हैं साथ ही फिटनेस से रासगढ़ के मालिक इम्तियाज कहने ओवर के लिए बॉल करेगी। चेंज ऑफ पेस किया है स्नोर बन था बैक थाई पर लगा है ये बॉल और हिट बाय की सूरत में रन हासिल किया है ऑफ साइड पर। अब तक हमें चार फील्डर्स नजर आ रहे थे राइट हैंड तीन फील्डर्स नजर आ रहे थे राइट हैंड बैट्समैन के लिए लेकिन अब लेफ्ट हैंड के लिए ऑन साइड हो चुका है तो ऑन साइड पर पांच फील्डर्स लगा दिए गए हैं साथ इम्तियाज अपने वकील की बॉल करेंगे। ग्राउंड शॉट है एक रन हासिल करेंगे इससे स्ट्राइक को रोटेट करते हुए रिजवान और ये दोनों बल्लेबाज जो इस वक्त सात गेंद से बल्ले ख्याल में पहुंच चुका है। जी बिल्कुल साथ से कह रहे हैं आप पहले ओवर में अभी तक के जो स्कोर चल रहा है सात स्कोर हो चुका है अभी तक कोई बाउंड्री जो है हमें देखने को नहीं मिली है जो कि अभी ये खेल रहे हैं तो सिंगल डबल ही हमें देखने को मिले हैं इस बॉल पे कुछ शायद ये बिल्कुल सही आप देख सकते हैं कि पहली बाउंड्री और बाउंड्री के बाहर जो है अंपायर का इशारा छक्के की जानिब था और ये बिल्कुल छक्का मार चुके हैं। जी हाँ, और यहाँ पर पहले का मेडल मिलाया है बॉल के साथ राइट हैंड बैट्समैन ने सलमान बल्लेबाज मौजूद थे और जब बल्ले का मेडल मिल जाए रिजवान उसका बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचना यकीनी बन जाता है और इस छक्के के बाद
एक ओवर का अष्टधाम हो चुका है 13-1 विकेट के नुकसान। मेगा साबित हो सकता है अपेश अपेश, लेकिन वो सेफली लैंड किया है इस बॉल ने और एक रन हासिल किया है। स्ट्राइक रोटेट हो चुका है, अब सलमान फिर से सामने आ चुके हैं, जो स्कोर 15 हो चुका। दूसरे ओवर का खेल जारी है सारी। वंस अगेन बॉल रेसिंग इनटू हिज राइट हैंड बैट्समैन, फिर से लेफ्ट साइड पर जा आगोश में मौजूद है मार्गला की पहाड़ी सिलसिले में, एक तरफ सैपुर विलेज खूबसूरत ग्राउंड करेंगे। दूसरे रन के लिए दिलचस्पी जरूर जाहिर की थी, लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड सिग्नल मिला, इशारा मिला कि एक ही रन काफी है, इसके रन नाले को बेहतर है। 17 रन अब तक हो चुके हैं। आज का पहला ओवर इख्तिताम मजीद हुआ था, उसमें 13 रन बने थे, जबकि दूसरा ओवर इसमें 4 रन अब तक कंसीड कर चुके हैं। Money up is off. Look at that. That's glorious. Your six. And Dilafrosh chakka yahan par pahuncha hai. Left hand batsman Zeeshan ke balle se aur dheere durust hai ye boundary. Aaj ke yahan par hamein nazar aayi hai run mein teesri ball par 28 runs sab tak ho chuke hain. एक चीज चेक करें कि बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहे हैं सिराज की टीम जो है, बाउंड्री मतलब जो अवेल कर रहे हैं, जिस तरह से वो खेल रहे हैं कि पूरे मतलब फॉर्म में। और ये एक और क्लासिकल शॉट और ये बाउंड्री के बाहर। इस वक्त हमें देखने मिला बॉलर ने वही ने कुछ ऐसा किया कि आप है मुझे बाहर था, एक तो 10 विकेट और साथ साथ स्कोर बन गया। तब तक बिल्कुल साथ ये वाइड बॉल जो है इसी के साथ स्कोर जो है 30 स्कोर हो गया, 30 स्कोर हो चुका है। पहुंची विकेट कीपर के माफूस हाथों में, आसिफ लॉन्ग ऑन पर मौजूद, मिडिल कीपर अधीर मौजूद, लॉन्ग लेग का आगरा और एक्स्ट्रा कवर स्कैन को खेल दिया है न्याय की खूबसूरती के साथ। बहुत दबा बाउंड्री लाइन के जाने, नो चांस फॉर द फील्डर, चेस कर रहा हासिल तवील है और ये शानदार चौका आज भी मिला है जीशान को। तो जीशान रिजवान अनस्टॉपेबल नजर आ रहे हैं और ये डील कर रहे हैं बॉलर को चक्कू और बाउंड्रीज के साथ। और इस चौके के बाद अब मजबूत स्कोर 34 पर पहुंच चुका है। बिल्कुल साथ ये जो जीशान खेल रहे हैं इन्होंने लास्ट मैच में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और अब दोबारा वो इसी फेज को कंटिन्यू करते हुए बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो एक लंबी इनिंग
खेलेंगे आगे चल के। हमारा स्टैट्स आपके सामने रख देते हैं और ये दूसरा सेट फाइनल जारी और सारी है। अब तक का अभ्यास 7 विकेट लेकर टॉप विकेट टेकर है और इसके साथ साथ अगर बल्लेबाजों की बात की जाए तो सईद 104 रन के साथ टॉप ऑफ द लिस्ट मौजूद है, जबकि दूसरे नंबर पर 97 रन के साथ नदीम भट्ट मौजूद है। आसिफ मौजूद है 63 रन के साथ तीसरे नंबर पर, जो कि चौथे नंबर पर सिकंदर मौजूद है 87 रन के साथ। शानदार बल्लेबाजी जा रही है सारी सनसनी भी दिखा जाती है और शक्के के बाद अब मधुश्वर मजीद आगे बढ़ा दिया है। जैसे आप देख रहे हैं सिराज टीम जो है पूरी कोशिश करते हुए कि हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकें, बहुत अच्छे से खेल रही है। साथ में अमरेली टीम की यही कोशिश है कि हम कम से कम स्कोर हमारे को टारगेट पर मिले और हम उसे इजीली अचीव कर सकें, पर ऐसा दिखने को नहीं मिल रहा। देखें कि आगे क्या होने जा रहे हैं। रिजवान और अगर बल्लेबाजों की बात की जाए तो नदीम भट्ट और सईद के माबेन बाइक की दौड़ देखी जा रही है, क्योंकि 7 रन की दूरी पर है खेला है और शानदार कैच अजीत की जानिब से, कैच सामने के बाद इन्हीं का हाथ पर किया है और क्यों रिजवान आफी बहुत अच्छी इनिंग खेली, मेरे ख्याल में इनके लिए ये काफी अच्छा था, पर वो बहुत नाराज दिख रहे हैं, उनकी शॉट उनके बैट पे ठीक से नहीं आई। मेरे ख्याल में बॉल जो है वो ऊपर की तरफ बाउंड्री की साइड को फेंकना चाह रहे थे, लेकिन बेटर लग चले बेटर लग फॉर द नेक्स्ट टाइम। पानी पिला दे भाई, डाल तो फिर पानी में डाल दो भाई। यहाँ सफा ये भी एक बॉल थी और मुस्तैद अंदाज में कमबैक किया है बॉलर ने अजीम, यहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं AK-47। जी हाँ वली AK-47 कादिर कश्मीर को कहा जाता है, ब्रेड ऑफ दी कोच आजाद कश्मीर से तल्लक है कादिर कश्मीर का और अमूमन बॉल में मैं देखता हूं कि उनकी बरकरदार बॉलिंग से टिकनिक नाचना चाहते हैं तमाम तरह बल्लेबाजों को। इस बार डाउन द ग्राउंड खेला था और इस ग्राउंड शॉट से एक रन हासिल किया है बिल्डर तैनात थे और 40 गेंद से बॉल कर चुकी है इस वक्त सिराज स्टील वॉरियर्स की टीम। 10 रन की दूरी पर अपनी और सिद्धि मुकम्मल करने में और अराउंड द विकेट फुल टॉस बॉल इज अप इन द एयर, टू फील्डर्स आर इंटरेस्टेड लेकिन कैच नंबर पकड़ने से कासर रहे, नो बॉल करा दे दिया गया है हाइट का और नो बॉल के साथ वेस्ट हाइट नो बॉल करा दे दिया स्क्रीन अंपायर ने स्ट्रेट अंपायर ने। आप फ्री हिट मिलेगी या नहीं अंपायर का सिग्नल देखना बाकी है। जी हाँ हमारा खान ने इशारा दिया है कि फ्री हिट है तो लाइसेंस मिल चुका है ईशान को कि वो खुलकर खेले अवेल न कर सके इस चांस को, अंपायर का सिग्नल अभी देखना बाकी है। लेट्स सी के वाइड बॉल है, अगर वाइड बॉल है तो चांस बाकी रहेगा और फुटबॉल के शिकार रुके चले और रन हासिल करने में कामयाब हुए हैं। वाइड डिलीवरी है या नहीं कैंडी बता दें हमारे खान लेपाई का सिग्नल पास किया गया है स्टेड अपा की जाने से तो चांस अब खत्म हो चुका है और प्लेट
किसी ने लियामर पास किया है, लाइसेंस हो चुका है गेंसल फ्री हिट का, 46 रन हो चुके, 4 रन की दूरी पर अपने 50 रन मुकम्मल करने में शानदार इवेंट जो कि अपने इख्तितामी लम्हा की जान चुजू ये दिन सूरज अपने इख्तितामी मनासिब की जाने पर रवा दवा है। तो ये टूर्नामेंट भी ये लीग भी जो कि स्टील प्रीमियर लीग है इख्तितामी लम्हा की जान का आंसर है। एक मैच इसके बाद बाकी है जो कि फाइनल का टाकरा होगा, उसमें चैंपियन एक टीम बनेगी जो अच्छा खेलेगी, जीत तो उसका मुकद्दर बनेगी लेकिन फाइनल में जो हारेगी वो भी जीत कर जाएगी क्योंकि फाइनल तक रसाई करना क्या बड़ी बात है। इम्तियाज इसके बाद ओवर नहीं कर सकते, 4 रन उस 4 बॉलर यूज किए जाएंगे। ओवर टू यू रिजवान आफरीदी। जी साहब बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, इसमें एक जो है रनर अप होगी, रनर अप के लिए जो है 50,000 का इनाम है कैश, और जो विनिंग टीम होगी फाइनल की विनिंग टीम उन्हें 1,00,000 का कैश इनाम मिलेगा विद ट्रॉफी, जो विनर है उनके लिए भी ट्रॉफी है प्लस 1,00,000 कैश, और जो रनर अप टीम है उनके लिए 50,000 कैश विद ट्रॉफी है। ये लीग जो है ये एहसास कराती है कि हमारे पास जितने भी प्लेयर जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनका जो लेवल है जोश है वो दिखने को मिल रहा है, जो एक्साइटमेंट है वो दिखने को मिल रही है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे जो क्राउड आ रहे हैं, यहाँ पे जो पवेलियन में लोग हैं वो इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी इंटरटेन हो रहे हैं। जी हाँ रिजवान, और एक मुद्दा में तमाम जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं या प्लेयर्स हैं उनसे मुखातिब होना चाहूँगा कि अगर यूनिसेंस स्टील सॉल्यूशन का ये इवेंट आपको अच्छा लगा है और बेहतरीन मैनेजमेंट है तो एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए यूनिसेंस स्टील सॉल्यूशन के लिए। शानदार इवेंट जो कि मुनक्किद किया गया शालीमार क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद में। रिजवान इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत शहरों में इसका नाम देखा जाता है, इस फहरिस्त में शामिल है इस्लामाबाद का नाम, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, जिसका ये खूबसूरत ग्राउंड आसपास ग्रीनरी मौजूद, पहाड़ मौजूद, खूबसूरत सीनरी। अभी लाए और इस गेंद को छाट दिया है, खुद गेंद के नीचे जाते हुए कैच छाप पाएंगे नहीं और एक खूबसूरत कैच लामा है अदील ने, तो इनिंग का खात्मा हो चुका है जीशान की, ब्रेक थ्रू यहां पर मिला है अदील को और उनकी टीम को। इमाद खान और अख्तर सैयब आपसे गुजारिश है कि आपने अब लुक्ते आम में कहा जाता है कि खेस के रखें ताकि मेन फिनाले में बैड लाइट का फैक्टर ना आ सके। जी हाँ 6 ओवर का ही कराइएगा फाइनल जमशेद धोनी साहब, क्योंकि इससे ज्यादा क्रिकेट बॉलिंग हो जाती है। That is glorious. इसके साथ साथ ये फलेक्सिक्स कश्मीर डग आउट में इस वक्त तो जान में जान आई है, सेना में बाहर आई है, वो 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 लुक कैट खान आफरीदी जो कि मुसलसल चैन कदमी के साथ साथ कमेंट कर रहे हैं तमाम मैचेस के ऊपर।
थैंक यू साहब भाई, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये आधा मोहब्बत है, बहुत अच्छी इच्छा आगे आए और स्क्रीन को खेलना चाहता। इनिंग का खात्मा हो चुका है, 66 रन का टारगेट सेट किया गया है। डबल सिक्स स्कोरबोर्ड पे सेट हो चुका है। कश्मीर के सितारे अब अपने बरकफ्तार बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे। सिराज की वॉरियर्स कश्मीर से, और जल्द से जल्द कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द बिना कोई टाइम वेस्ट किए आप दोबारा ग्राउंड में आ जाएं और अगली इनिंग को स्टार्ट करें। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसके बाद फाइनल होने जाएगा और जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाइट डिम होती जा रही है, फाइनल में प्रॉब्लम होगी, तो आप सबसे गुजारिश है कि आप प्लीज जल्दी इस मैच को खत्म करें। अमरेली सील से रिक्वेस्ट है कि अपने ओपनर्स को जल्द से जल्द ग्राउंड में उतारें, अमरेली सील प्लीज, और अपने एक प्लेयर को यहां पे कमेंट्री बॉक्स में भेज दें प्लीज। अमरेली सील से रिक्वेस्ट है कि ओपनर्स को जल्द से जल्द ग्राउंड में उतारें और अपने एक प्लेयर को यहां भेज दें कमेंट्री बॉक्स में प्लीज। Without any time waste किए आप प्लीज जल्द से जल्द मैच का आगाज करें, सेकेंड इनिंग को स्टार्ट करें ताकि फाइनल। पहली बॉल सेकेंड इनिंग की आप देखें कि पहली बॉल में और ये पहली बॉल पे पहला छक्का और ग्राउंड के बाहर ये छक्का तो गया ही है। जी हां, रिजवान और हरमत को किया है शक्ति के साथ सिकंदर ने, और जिस तरह सेकेंड बॉल है, देख रहे हैं कि सेकेंड बॉल पे क्या होने जा रहा है। ये बॉल जो है डिलीवर की और ये शॉट और ये बाउंड्री के करीब फील्डर ने बॉल को पकड़ लिया है और थ्रो किया कीपर की तरफ और ये रन आउट का खतरा पर टीम ने लिया। यार जितने भी लोग इस वक्त कोर्ट्स के सामने हैं वो स्क्रीन काइंडली स्क्रीन पर साफ कर दें ताकि कमेंट्री में खलल ना आ सके। और स्कोर जो ऑफिशियल स्कोर है हमारे पास और कभी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और रिजवान लगी रहा है कि सिकंदर आप टॉप ऑफ द लिस्ट आना चाहते हैं बल्लेबाजी करके, क्योंकि 67 रन से इस इनिंग से पहले उनके मौजूद थे और इस छक्के के बाद अब पहुंच चुके हैं 75 भी अब पहुंच चुके हैं। 2 रन उन्होंने हासिल किए, पिछले का विकेट और एक छक्का लगाया। अब करीब करीब नजर आ रहे हैं सही 104 रन के साथ टॉप ऑफ द लिस्ट नदीम पट के पास अभी भी चांस मौजूद है 97 रन। 63 के साथ आसिम मौजूद है, नासिम के पास भी चांस मौजूद है। नट मुझे यही ला रहा है कि रिजवान के लिए कटर कर रहे हैं, कटर अमूमन क्रिकेट में जी जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैनेजमेंट की तरफ से हमें अनाउंसमेंट मिली है कि अगर ये मैच लेट होता है और इसके बाद हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है तो फिर 4 ओवर का मैच एक्सपेक्टेड है फाइनल। अगर उससे भी लेट हो गया तो फिर 3 ओवर का और फाइनली जो है वो फिर टॉस पे चले जाएगा। तो काइंडली इस मैच को जल्द से जल्द जो है विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए एग्जीक्यूट कर दें। जी हाँ, इस वक्त मैंने आपको ये कहा था कि केपीजे का जो इलाका है जिसे समाज आ जाता है और इन इलाकों में सब विकेट पे टेप ऑन की जाती है, या कश्मीर है कश्मीर के इलाकों में, ये कश्मीर के इसमें मौजूद है प्लेयर्स जिनको खासा तजुर्बा है बॉल करने का ट्रॉफ विकेट के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि हम कटर कर रहे हैं और उसके जरिए चेंज ऑफ पेस करके बॉलर को रिसीव कर रहे हैं, बल्लेबाज के पेस पर तैयार है लेकिन कराची के प्लेयर्स सिमेट्रिक विकेट में खेलते हैं। अब बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा जा रही है सारी बॉलर की जान से, वंस अगेन राइट आर्म अब इसके ना है आउट हो सकते हैं
विकेट कीपर गेंद के नीचे आते गए, जी हां कैच सामने आया है और बड़ा नुकसान, खुशी की लहर रिसर्टर हुई है और सहरा में बाहर और तमाम तरफ फील्डर्स गुजारिश है कि अपने पोजीशन पर फौरन पहुंच जाए, टाइम का ज्यादा करें, बल्लेबाज आ चुके हैं और अदील ने बल्लेबाज ज्वाइन करेंगे आसिफ को और गिरी है, मतलब स्कोर अब तक हो चुका है 8 के हिस्से पर, ये नुकसान उठाना पड़ा है। जी साहब बिल्कुल ठीक कहा, सिराज प्लेयर जो है वो ग्राउंड में आ चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द जो है पिच पर पहुंच जाए। जी हाँ सिराज टीम के कैप्टन से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि काइंडली अगर विकेट भी गिरती है खुशी अपनी जगह है, जिसे अपनी जगह है, लेकिन ना अपने आउटफील्ड से हिलना नहीं है क्योंकि टाइम छाया होता है, अब सूर्य अच्छा लगभग पहाड़ों के पीछे छुप चुका है और आसमान से आपको ये पहाड़ नजर आ रहे हैं, जहां बैट बैट फील्ड का भी बैट लाइट का भी आपको सामना करना पड़ सकता है फाइनल में। जी हाँ अधीन को पहले भेजा गया था लेकिन आसिफ का साथ देने के लिए नौ स्कोर अब तक हो चुके हैं और आसिफ का साथ दे रहे हैं अजीम, एक रन हासिल कर चुके हैं, अपना खाता खोलने में कामयाब, प्राइम स्कोर का एक के हिस्से पर पहुंचा दिया है अजीम। आसिफ प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, अभी लोधी साहब सोचों में गुमसुम हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर यूनिसेंस को लीड कर रहे हैं, वो परेशान है इस बदवा के, उन्हें टेंशन है, परेशानी है, ग्रेट बना ले बैट लाइट का फैक्टर ना आ जाए इसमें, चीफ ऑर्गेनाइजर्स के लिए यकीनी तौर पर फाइनल जो है वो चार चांद लगा देता है। अगेन पर गिरफ्तार डिलीवरी लगा ऐसे, ये बॉल कि हाथ से नहीं निकली बल्कि धूप का गोला आया है आसिफ की जानी, आसिफ चुके पाकिस्तान में जाने बचाने जाने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के जरिए पूरे पाकिस्तान में अपना नाम बनाया, कामयाब हुए हैं यहाँ पर राइट हैंड बैट्समैन जो वेलकम किया है इस ओवर में सिक्के के साथ वनीत का, वनीत जो कि लेफ्ट आर्म बॉलर है और अब इस सिक्के के बाद मजबूत स्कोर पहुंच चुका 17 के हिस्से पर। आसिफ
सुबह से अब तक का निवासी करें मुश्किला से दुशार नजर आ रहे हैं और फिर तो वह मुश्किल से दुशार होना क्योंकि कश्मीर की बॉलर सिक्स फोर अगेन दुर्गा शक्का सिक्की के पास हरा बॉल है 40 रन बाकी 26 रन हो चुके हैं। ये वो दिलकश स्ट्रोक था कि उमन प्रॉपर बल्लेबाजों की तरफ से नजर आता है रेसियन को पहुंचाया था बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए बारह बॉल 40 रन बाकी लग ये रहा है कि ये तीसरा मैच है चुके सनसनी खेज नमाज में दाखिल होगा और ये मैच सनसनी खेज नमाज में दाखिल होता है तो मैं पहले से ऐलान कर देता हूँ कमजोर दिल फिर आसपास चले जाए कि दिलों की धड़कने हो जाएंगी तेज सनसनी रिपीट पर होगी नजर आएगा चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो शॉट अगेन कमाल 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 इन बल्ले 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 इन द डगआउट फॉर द राइट हैंड बैट्समैन एक और छक्का 25 रन बाकी है 34 रन सरकार करेंगे चार्ज करेंगे मेरे पास आपको खरीद आ चुके हैं समझाने के लिए शुजा को पेस कराची के बल्लेबाजों को आप देंगे फिर आउट ऑफ द पार्क बॉल पहुंचेगी आउट ऑफ द बाउंड्री तो बात की बात है हो चुके हैं और डबल सिक्स का हिस्सा आसिम को नजर आ रहा है ऑन द लेग साइड एक थर्ड एंगल लगा है बॉल का और बाय गया लेग बाय गया और चौका होगा और आसिम लेकिन मुश्किला से दो चार नजर आ रहे हैं बल्ले से और के बॉल ना लगी लेकिन यहां पर टांगों से ने काम लिया आजकल असीम जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं 45 रन हो चुके हैं 43 ऑन द बोर्ड चेक कर भी अब शालीमार क्रिकेट ग्राउंड में हमेशा की तरह नजर आ रही है फ्लैग किक का लेकिन एक चप्पा का कर पहुंची है और आगे बाहर की बॉल और अब इस चौके के बाद पूरा पहुंच चुका है 47 पर एक बॉल भी बाकी यहाँ पर पुरजोश नजर आ रही है टेन फिनाले में पहुंच चुके हैं 50 रन के तौर पर ठहरे फाइनल बाकी है स्वागी कौन जाएगा अगले राउंड में मैच बाकी मैच बाकी आसिम बाकी इन पांच चुके हैं
चुका हूं, स्कोर पहुंच चुका है 51 पर, 53 हो चुके हैं, 53 रन हो चुके हैं मजबूत स्कोर और 13 रन बाकी, 6 बॉल 13 रन बाकी, नशिस्तों पर इस वक्त खड़े हो चुके हैं तमाम तरह मेज, तमाम तरह सपोर्टर्स तरफ कश्मीर के तमाम तरह सितारे सिराज स्टील वॉरियर्स फिर का मुकाबला कर रहे हैं कराची के तमाम तरह चाबाज अमरेली स्टील्स, 13 रन बाकी है 6 बॉलों पर, बॉलर नेम बता दें गाइडी सलमान कम्स इन ऑफ द लास्ट ओवर, कश्मीर का एक सितारा हमें देखने मिला था बीएसएल में जमान खान इन्होंने 12 रन सेव किए थे, जब देखते हैं कि 13 रन सेव कर पाते हैं पर सलमान या फिर नहीं, सामने उनके मौजूद असीम असीम छक्का लगा पाते हैं या नहीं, अनिस्मत बरकत स्टार बॉल रन आउट हो जाएंगे या नहीं, और जी हाँ स्ट्राइक अपने पास रखा है, आज तो आगी नुकसान तो हुआ है लेकिन सेट बैट्समैन स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे हैं, हसीम लगातार कराची से है, अब 12 रन बचे बाकी है माधा पांच, एक रन हासिल किया है, 12 रन बचे बाकी है माधा पांच फॉलो का, सलमान पर इतनी प्रेशर में डिफेंस नहीं गिराई, 5 पे 12 शॉट ऑफ लेंस यहां पर शॉट लेंस का बॉल लगी है पहुंची है डायमंड की जगह पर, अगला डीप भी डीप बैकवर्ड पॉइंट की यानी पर ये बॉल पहुंची थी बाजी के साथ और बहुत दूर ना सक किए हैं तो बल्लेबाजों ने और 4 बॉल है आई एम यादव सस बाकी है रिजवान खिलू के धन के यकीन जाने अब माइक रखो क्राउड को भी तक तक की आवाज सुनाई देगी, ये तीसरा वार्ता है जो बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, जैसे कि हम देख रहे हैं कि तमाम क्राउड की नजरें जो है इस मैच की जानिब है और बड़ा टांगे का मुकाबला है, 4 बॉलों में 10 रन गालिबन ऐसे ही स्कोर है, आप कंफर्म कर दीजिए 4 बॉलों में 10 रन चाहिए तो कुछ भी हो सकता है, बड़े सख्त मराइल में ये मैच और हम देखना चाहेंगे कि इस बॉल पे क्या होने जाता है, जो मैच की सूरत हाल है वो तकरीबन चेंज होती हुई नजर आ रही है हमें, वहां रिजवान मैं पहले भी कह चुका हूँ कराची के सस्मिन के किसी भी प्लेयर को आप एवर पीसी देने भी करेंगे रफ्तार देंगे उसने बल्ला बिराना है क्योंकि कराची के प्लेयर नो डाउट कराची के जो प्लेयर होते हैं वो आपको दिख रहे होंगे जो ऐसा बच्चा था रिजवान उसे लग रहा है कि आपकी सपोर्ट अपने होम सिटी के साथ है कराची के साथ लेकिन मेरा इलाका मशरक का है तो मेरी कश्मीर के साथ ये तो मैं सपोर्ट जरूर होगी साथ बिल्कुल ठीक आप सही कह रहे हैं पर मेरी सपोर्ट जो है मेरी इस पूरी मैनेजमेंट के साथ है इस पूरे खाली है भर के खाली है जो भी जीते है हमारे लिए काबिले फखर होगी जो भी हाँ होगी भरपूर क्लैपिंग एक दफा भरपूर क्लैपिंग कीजिएगा अगर सीता देने का सबूत है तमाम तरह फेस 3 बार कह चुके हो और भरपूर क्लैपिंग यहाँ पर मुझे सुनने के लिए अच्छी हाँ सेंचुरी की मुकाबला चाह रही उसारी है और मुझे आसिफ डिस्टर्ब बैट्समैन रवानगी कर रहे हैं अमरेली स्टील्स की सामना करेंगे यहाँ पर सलमान कट रही है बोलो बराबर हो चुका है जी हाँ मैच लेवल हो चुका है और आवाज सब आनी चाहिए कि ये मैच लेवल होगा हमें कराची की टीम जीतेगी रेडिंग से मॉस्टर आज है मैदान में साथ भाई आप देख रहे हैं 2 बॉल अभी रिमेनिंग है
और एक रन चाहिए जीत के लिए, एक रन दो बॉल। तो मुझे लग रहा है कि अमरेली स्टील जो है इस मैच को बंद कर जाएगी। लास्ट बॉल पूरी सिराज टीम जो है वो ग्राउंड के अंदर। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड फिर से बन चुका है और लग ही रहा है कि टेस्ट क्रिकेट की फील्डिंग यहां पर लगा दी गई है और इस ऊपर रन आउट हो सकते हैं। मैदान से जाते तू, ये खेल दीवानों का, चल दोस्त दिखा दे तू और मजा बजा दे तू। मैदान से जाते तू, ये खेल दीवानों का, बाजीगर कहलाएगा जो हार को जीत बनाए। खून दौड़े है वो गेम मेरे दोस्त, जो दिलों को जोड़े हैं। जल्द से जल्द स्टार्ट कर सके, चल दोस्त।